Hello friends, ICMA Sangeet Saurav has came up today with latest government job notifications in Central Electronics Limited. But before that, if you are new to our channel, then please like the video, share the video and subscribe our channel so that you don't miss a single government job alert. Telegram channel link has been provided at the description of this video. Please join the Telegram channel to receive latest updates on government vacancies. साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाल दी गई है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैकेंसी हैज केम फ्रॉम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। और जहां तक पोस्ट का सवाल है तो पोस्ट का नाम है अकाउंट्स ऑफिसर और ग्रेड है E1 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर 2 out of which one seat is for unreserved and one seat is for scheduled tribe. और जहाँ तक roles and responsibility का सवाल है तो इन्होंने recruitment notification में बता रखा है कि the candidate shall be responsible for preparation of MIS, periodical profit and loss accounts and balance sheet, interaction with statutory auditors of CAG and other government agencies. तो ये बेसिकली इंडिकेटेड इनका जॉब प्रोफाइल है कि अकाउंट्स ऑफिसर जो सिलेक्ट होंगे CEL में उनका बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या होगा। एंड एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न तो दे हैव मेंशन इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दैट द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स। तो पहली चीज क्या है कि द कैंडिडेट शुड बी हैविंग ग्रेजुएट इन कॉमर्स, दैट इज ही मस्ट बी अ बीकॉम ग्रेजुएट। और उसके साथ ही साथ इन्होंने बताया है एंड पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA ICWA दैट इज CMA और MBA in Finance with 2 years post qualification experience in preparation of MIS, periodical profit and loss accounts and balance sheet, interaction with statutory auditors of CAG and others government agencies working agencies and he should have the working experience in ERP system is essential. तो इन्होंने बताया कि the candidate जो है उनके minimum qualification is either CA और CMA और अगर वो सी ए सी एम ए नहीं है इन दैट केस ही शुड बी एम बी ए फाइनेंस। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ सी ए सी एम ए और एम बी ए फाइनेंस ही मस्ट हैव 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एम आई एस पी एंड एल। तो बेसिकली जो एक फाइनेंस का जो बेसिक फंक्शन डिस्चार्ज जो होता है तो उसमें इनको 2 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। एक और वैकेंसी भी आई है फ्रेंड्स जो हमारे लाइन से रिलेटेड है, दैट वैकेंसी बेसिकली इज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है बट कंपनी सेक्रेटरी वैकेंसी इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स अकाउंट्स ऑफिसर की ये परमानेंट वैकेंसी है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। लेकिन जो कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी आई है दैट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है और एज फार एज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज कंसर्न फॉर दिस पोस्ट तो दे हैव मेंशन इन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दैट द पोस्ट कैरीज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ ऑल सेक्रेटरियल फंक्शन ऑफ कंपनी कंपनी टू रन द सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट डीलिंग विद बोर्ड मैटर्स कंपनी लॉ अफेयर्स इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। तो बेसिकली जो कंपनी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सारी लाइक बोर्ड मीटिंग स्टेटूटरी MCA फाइलिंग और वेरियस कमिटीज और सब कमिटीज मीटिंग तो जो भी उनकी जो कंपनी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की जो भी जनरल फंक्शंस जो होती है तो वो सारे फंक्शंस डिस्चार्ज करने पड़ेंगे इफ़ यू आर सिलेक्टेड एज कंपनी सेक्रेटरी इन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एंड एज फार एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज कंसर्न तो दे हैव मेंशन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दैट द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही मस्ट बी having associate membership of the Institute of Company Secretaries of India. So first thing is that he must be a graduate. Along with it, he must be a company secretary. And apart from that, they have mentioned that preference will be given to the candidate having degree in law. So if a candidate is having LLB degree, in that case he would be having an upper hand as far as selection is concerned. And as far as pay scale is concerned, तो इन्होंने बताया है ये जो E1 जो पोस्ट है बेसिकली दैट पोस्ट तो E1 पोस्ट जो है बेसिकली दैट पर्टेन्स टू अकाउंट्स ऑफिसर जो कि सी ए सी एम ए या फिर MBA फाइनेंस के लिए है। और साथ ही साथ जो कंपनी सेक्रेटरी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी है ये भी दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू E1 पोस्ट। हालांकि इन्होंने फिर आगे आके इन्होंने पूरा डिटेल बता रखा है कि क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है तो इन्होंने इसका अलग से डिटेल बता रखा है कि इन्हें टोटल रेमुनरेशन या फिर इनके सारे टर्म्स कंडीशन क्या होंगे।
So as far as account officer is concerned, the accounts official will be absorbed in the basic of ₹40,000 to ₹1,40,000 per month with annual increment of 3%. तो जो अप्रोक्स सीटीसी जो होगा रेगुलर पोस्ट, चूंकि अकाउंट्स ऑफिसर रेगुलर पोस्ट है, तो अप्रोक्स स्टार्टिंग सीटीसी ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर विल बी अराउंड ₹10,41,000 पर एनम एंड द अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। हालांकि अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो या PWD हो, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि मैं फर्दर आपको बताऊंगा। और एज फार एज कंपनी सेक्रेटरी इज कंसर्न, तो कंपनी सेक्रेटरी सिंस दिस पोस्ट इज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो द कंपनी सेक्रेटरी वुड बी एंटाइटल टू कंसोलिडेटेड पे ऑफ ₹40,000 पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ही वुड बी एलिजिबल टू गेट ₹45,000 पर मंथ ड्यूरिंग सेकेंड ईयर एंड द अपर एज लिमिट फॉर कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो 30 ईयर्स। लेकिन उन्होंने एक चीज और बता रखा है, और कंपनी सेक्रेटरी द इनकमेंट विल बी engaged initially for a period of 2 years. On completion of 2 years tenure, he she may be placed on pay scale basis of even grade, on contract basis, on performance basis and requirement of the company. उन्होंने बोला कि company secretary जो है, since in this is a contractual engagement, उन्होंने बोला कि first year ₹40,000 उन्हें remuneration मिलेगा, second year ₹45,000 and after completion of 2 years इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही लेकिन एब्जॉर्व कर लिया जाएगा इवन में। तो इन दैट केस दस अप्रॉक्स सीटीसी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वुड बी अराउंड 9,02,000 पर एनम फ्रॉम थर्ड ईयर, बिकॉज फॉर फर्स्ट ईयर दैट वुड बी ₹40,000 कंसोलिडेटेड, फॉर सेकेंड ईयर ₹45,000 कंसोलिडेटेड, बट फ्रॉम थर्ड ईयर ही विल बी एब्जॉर्व इन E2 ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ओनली एंड द टोटल रेमुनरेशन वुड बी अराउंड ₹9,02,000 पर एनम। And as far as general instruction is has been concerned, so they have mentioned in recruitment notification that the last date to apply for these vacancies 10th of July 2023. So they have mentioned please apply in confidence till 10th of July 2023. That is last date of receiving application by speed post courier at CL premises from the date of publication of this advertisement, with only typed application in prescribed pro forma, giving complete particulars with one passport size photograph pasted and self attested copies of all degrees and certificates and experience certificate. तो उन्होंने बोला है कि last date of application जो है that is basically 10th of July 2023. साथ ही साथ offline application आपको जमा करना पड़ेगा, कोई online application है नहीं, और इसका performa जो है उन्होंने recruitment notification में already डाल रखा है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये परफॉर्मा है बेसिकली, इस परफॉर्मा को आपको फिल करके, और इन्होंने बोला है कि एक टाइप्ड इन एप्लीकेशन, तो आप इस परफॉर्मा को डाउनलोड कर ले और इसमें टाइप कर ले एप्लीकेशन को, जो भी आपके इसेंशियल डिटेल्स वगैरह उसे टाइप कर ले। और साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने फोटो अफिक्स करने का इन्होंने स्पेस दे रखा है, इन्होंने बोला है कि साथ ही साथ यहाँ पे अपने आप जो फोटो अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उस और उसे आप एफिक्स कर ले, वहाँ पे चिपका ले। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आपके जितने भी आप सारे टेस्टिमोनियल्स आप डालोगे, जितनी भी अपनी आप वो सारे कुछ आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, जैसे कि आपकी बीकॉम की डिग्री हो गई या CA CSCMA की आपकी फाइनल पास डिग्री हो गई, इंटर की डिग्री हो गई CA CMA की, तो वो सारे जितने भी टेस्टोनॉमियल्स हो गए या फिर एक्सपीरियंस वगैरह आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारे, तो दैट शुड बी बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड। तो वो आपको अटैच करके वो आपको सारे फॉर्म में भी भरने पड़ेंगे, और साथ में आपको टेस्टोनॉमियल्स वगैरह सेल्फ अटेस्टेड आपको अटैच भी करने पड़ेंगे। And as far as application fee is concerned, so they have mentioned that a non-refundable bank draft of ₹500 drawn in favor of Central Electronics Limited payable at Ghaziabad is to be enclosed. तो अगर बेसिकली अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप ओबीसी से अगर बिलोंग करते हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इन दैट केस आपको ₹500 का आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ इन फेवर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। However, no application fee need to be paid by the candidates belonging to ST, SC or PWD. So if you belongs to ST community or SC community or PWD, in that case you are exempted from paying the application fee of ₹500. और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि all the qualifications should be from AICT approved
यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली अगर आपने अगर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और आपने अगर एमबीए फाइनेंस अगर कर रखा है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस होगी दैट शुड बी अप्रूव्ड बाई यूजीसी और एआईसीटीई, तो आपको वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। और एक चीज इन्होंने और बता रखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन नीड टू बी फाइल्ड इफ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोजीशन। तो सपोज इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी एंड यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर बोथ ऑफ द पोस्ट, दैट इज फॉर अकाउंट्स ऑफिसर ऑल्सो एंड फॉर कंपनी सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर बोथ ऑफ द पोस्ट, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और सेपरेट एप्लीकेशन वहाँ फाइल करोगे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी ऑफ ₹500 अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। तो आपको इसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। सिंगल एप्लीकेशन पे आप फाइल नहीं कर सकते हो कि आप अकाउंट ऑफिसर पे भी और फिर कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी आप सिंगल एप्लीकेशन पे फाइल करो, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। एंड एज फार एज क्वालिफाइंग मार्क्स हैज बीन कंसर्न, तो दे हैव मेंशन दैट क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी रिलैक्सेबल बाई 5% फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पीडब्ल्यूडी। तो अगर आप SC ST या फिर PWD से बिलोंग करते हो तो जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगी दैट वुड बी रिलैक्सेबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ 5%। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अपर एज लिमिट इज बेसिकली 30 ईयर्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और यू आर अप्लाइंग फॉर बेसिकली अकाउंट ऑफिसर। इन दैट केस योर अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स इफ यू बिलोंग्स टू अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी। हाउएवर इफ यू बिलोंग्स टू OBC नॉन क्रिमिनल, इन दैट केस यू वुड बी एलिजिबल फॉर 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, दैट इज अगर आप 33 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो यू विल भी एलिजिबल फॉर 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, दैट इज अगर आप 35 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप PWD हो और आप जनरल कैटेगरी के PWD हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, दैट इज अगर आप 40 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी के PWD हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर 13 ईयर्स पोस्ट एज रिलैक्सेशन, दैट इज इफ यू आर 43 ईयर्स ऑल्सो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर आप बेसिकली अगर आप ST SC कैटेगरी के PWD हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, दैट इज अगर आप 45 ईयर्स के भी हो तो भी आप ये सारे वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने और बता रखा है कि एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स शैल बी एडमिसिबल टू ऑल पर्सन्स हुआ है डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ JNK जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989। और इन्होंने एक और बात बता रखा है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन रेगुलर पोस्ट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप रेगुलर पोस्ट हो, जैसे कि आप अकाउंट्स ऑफिसर में जो कि परमानेंट पोस्ट है उसमें अगर आपकी सिलेक्शन अगर होती है, इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल फॉर, सो यू हैव टू सर्व प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 ईयर के कम्प्लीशन के बाद ही आपको रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि द इनिशियल पोस्टिंग फॉर द पोस्ट शैल बी एट कंपनी वर्क्स इन शाहिबाबाद, दैट इज बेसिकली गाजियाबाद और एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। हाउएवर द कंपनी रिजर्व्स द राइट टू चेंज रोल्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली उन्होंने बता रखा है कि जनरली आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो साहिबाबाद, जो कि बेसिकली गाजियाबाद के अंदर आता है, वहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। हालांकि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी आपको कहीं और भी वहाँ से ट्रांसफर कर सकती है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रखा है कि अप्रोप्रिएट मेथड सच एज रिटन टेस्ट में बी रिजॉर्टेड इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लार्ज। उन्होंने बोला कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन अगर ज़्यादा रिसीव अगर होती है तो इन दैट केस रिटन टेस्ट में भी कंडक्टेड, और अगर एप्लीकेशन अगर कम अगर रिसीव होती है इन दैट केस डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो इसके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको रेगुलरली आप कंपनी के वेबसाइट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आप चेक करते हो, आपको डिटेल पता चल जाएगी कि इन्होंने क्या रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाया करवाएंगे या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इन दैट केस अगर एप्लीकेशन अगर ज़्यादा रिसीव अगर नहीं होती है तो। और इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट्स प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी PSU शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल और सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट इज NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर इफ दे आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो तो इन दैट केस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको NOC सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपनी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से, फेलिंग टू विच आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है।
साथ ही साथ इन्होंने बता रखा कि आउटस्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर रेगुलर पोस्ट विल बी पेड टू एंड फ्रो थर्ड एसी रेलवे फेयर नॉर्मल फेयर बाई द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द कम्युनिकेशन एड्रेस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिसीट और टिकट नंबर ऑन देयर एलिजिबिलिटी. नो टीएटीए शैल बी पेड टू कैंडिडेट अप्लाइड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट. द मोड ऑफ इंटरव्यू शैल बी इन पर्सन एट कंपनी वर्क्स एट साहिबाबाद गाजियाबाद. उन्होंने बोल रखा कि अगर आप अगर परमानेंट पोस्ट के लिए अगर आपको अगर बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जैसे अकाउंट्स ऑफिसर जो कि परमानेंट पोस्ट है, इन दैट केस आपको कंपनी जो है थर्ड एसी की जो आपकी रेलवे फेयर होगी वो आपको रिमर्स कर देगी. हालांकि उन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसके लिए आपको कोई उसके लिए इंटरव्यू के लिए आपको कॉल अप किया था उसके लिए आपको कोई भी आपको बेसिकली रेलवे फेयर वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा. तो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो और आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर अगर आपको बुलाया जाता है, इन दैट केस यू वोंट बी एलिजिबल टू गेट द रीइंबर्समेंट ऑफ योर बेसिकली ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट. और इन्होंने बोल रखा है कि द मोड ऑफ इंटरव्यू शैल बी इन पर्सन. तो इन्होंने बोल रखा है कि पर्सनल इंटरव्यू होगी जो कि बेसिकली साहिबाबाद जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है वहां पर आके आपकी इंटरव्यू होगी. और इन्होंने बता रखा है कि ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट कुरियर सुपरस्क्राइबिंग ऑन द एनवेलप ऑफ द पोस्ट टू द जनरल मैनेजर एचआर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद यूपी. द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर स्पीड पोस्ट कुरियर एट सीएल प्रीमिसेस 10th of July 2023. उन्होंने बोल रखा है कि आप जो एप्लीकेशन जो ऑफलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे तो अपने आप इनवेलप के ऊपर आप वो मेंशन करोगे जो एड्रेस उन्होंने दे रखा है GM HR ये सारे इस एड्रेस पे आप एड्रेस करके आप वो भेजोगे. और साथ ही साथ ये आपके एप्लीकेशन जो है दैट शुड रीच टू द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑन और बिफोर 10th of July 2023. और बेसिकली ये परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा आपको टाइप करना है आप कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो. तो आपको वो फिर आपके नेम्स वाले जो बेसिक डिटेल्स आपकी सारी चीज़ें यहाँ फोटो एनेक्स करके आपको और ये सारी चीज़ आपको भर के आपको आपको भेजनी है. और साथ ही साथ उन्होंने बता रखा है कि ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने बता रखा है कि इंक्लोज सेपरेट शीट फॉर ब्रीफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उन्होंने बता रखा है कि आप जो जहाँ पे आपने काम किया आप एक्सपीरियंस अगर आप दिखा रहे हो तो आपने बेसिकली कौन कौन से प्रोफाइल किस कंपनी में कौन से प्रोफाइल में किस एरिया में आपने मेजर काम किया है. तो उन्होंने बोला कि एक सेपरेट शीट उस पर आप लेके उस पर आप टाइप करके आप अटैच कर दोगे इसके साथ और इसे अटैच करके आप फिर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आप भेज दोगे. तो बेसिकली फ्रेंड्स ये एक अच्छी वैकेंसी है. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और ईवन पे एब्जॉर्व किया जा रहा है. तो और अकाउंट्स ऑफिसर को और जहाँ तक कंपनी सेक्रेटरी का भी सवाल है तो उन्हें भी कंपनी सेक्रेटरी को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स उन्हें ईवन में ही एब्जॉर्व किया जाएगा. तो और साथ ही साथ इसमें चूंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है आपको सीखने को इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा, एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी अच्छा एड ऑन होगा. और इस तो आपको अगर आप CA हो CMA हो या फिर अगर आप MBA फाइनेंस हो तो फिर आपको अकाउंट ऑफिसर के लिए आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए. और अगर आप कंपनी सेक्रेटरी भी हो इन दैट केस ऑल्सो इट्स एडवाइजेबल कि यू शुड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी क्योंकि आपको थर्ड ईयर से आपको इवन में एब्जॉर्व कर लिया जाएगा. एक आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और अगर कल को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके अगर कहीं आप फर्दर आप जाना चाहते हो तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा आपके लिए एड ऑन करेगा. फ्रेंड्स दिस इज गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एज ऑफ नाउ. वेरी सून आई विल कम अप विथ अपडेट्स ऑन अनदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी. टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.